हाय मेरे प्यारे बच्चों, मैं विकास श्रीवास्तव। आज इस वीडियो में एफ का मैथ पढ़ेंगे। एनसीईआरटी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी सिलेबस है, ये यूपी सिलेबस में भी यही है, यूपी बोर्ड के सिलेबस में। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज द परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर सो ऑफ 10। मतलब चार अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी है, साथ ही साथ जो नंबर होती है पूर्ण वर्ग संख्या उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करो, जब इसको सॉल्व करो तो ग्रेटेस्ट नंबर ले लो 4 डिजिट का। क्या होता है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, द जी आर ई ए टी ई एस टी, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। जितने डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नंबर पूछे उतने डिजिट का आप ग्रेटेस्ट नंबर ले लो। 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, 9999 होता है ना, इसका स्क्वायर रूट निकालिए आप। 9999 पेयर बना लीजिए, 9 9 जा 81 लिख लीजिए, 8 बचेगा 1 बचेगा, 9 को 9 के नीचे लिख कर ऐड कर लीजिए 18, एक पेयर पूरा नोट हो जाएगा, ठीक है। अब 18 का टेबल आप पढ़िए इस पूरे में, 18 का 1899 में, तो 18 नाइनजा देखते हैं, 9 9 लिखेंगे, 9 9 जा 81 को 1 कैरी 8, 9 8 जा 72 and 8 80 carry 8, 9 1 जा 9 8 17, ये हो गया, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 8, 9 में से 0 जाएगा 9, 1 और 1 में से 1 गया, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर तो है बट परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर उसी को कहते हैं जिसका आसानी से वर्गमूल निकल जाए, स्क्वायर रूट निकल जाए, कुछ शेष ना बचे, पूरी तरह से कट जाता तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाता है, लेकिन पूरी तरह से कटा ही नहीं तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा, वही नंबर होगा जो इसमें यह ना रहे, अर्थात यह रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, पूरी तरह से कट जाए। इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर में यही इतना अधिक आ रहा है, अगर इस दिए गए नंबर में से हम इसको माइनस कर देंगे तो जो नंबर बचेगा वो परफेक्ट स्क्वायर बचेगा, कोई चीज़ रिमाइंडर नहीं बचेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। लिख देंगे सो ग्रेटेस्ट जी आर ई ए टी ई एस टी 4 डिजिट, सो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, सो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितना हो जाएगा, आपने यही लिया था 9999, लेकिन इसमें रिमाइंडर यही बच जा रहा था कितना, 198, इसको आप हटा दोगे, 198 को माइनस कर दो, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 1 गया 8 एंड 9 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो गया, यही आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया। और आप इसका स्क्वायर रूट जब निकालोगे तो कोई चीज़ रिमाइंडर नहीं बचेगा, इसका स्क्वायर रूट भी पूछ रहा है वही हो जाएगा आपका, निकाल के एक बार फिर से देख लो, इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालना है तो 9 9 जा 81, ठीक है, यहाँ बचेगा 7 और यहाँ 1 और 0 और 1, 9 लिख कर ऐड करेंगे 18, 9 बार जाएगा 9 9 9 9 जा 81 कैरी 8, 9 8 जा 72 and 80 कैरी 8, 9 1 जा 9 8 17, तो ये इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा कितना, 99, दिए गए नंबर का स्क्वायर रूट वही हो जाएगा 99, जब रिमाइंडर नहीं बचेगा 99, यही आपका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी इसी तरह है, आइए उसको भी देखते हैं। देखिए जो क्वेश्चन अभी आपने क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ा है, क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट विच इज परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, 6 डिजिट का पूछ रहा है तो 6 डिजिट
का आप ग्रेटेस्ट नंबर ले लेंगे, परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे उसका, मतलब स्क्वायर रूट निकालेंगे उसका स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट निकालने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा उसी नंबर से उसको माइनस कर देंगे। बस ऐसे ही करना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो बस बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।